वेलकम फ्रेंड्स, मैं आपके सामने गौरव मिगलानी। हम देख रहे हैं 12th क्लास की अकाउंटेंसी। पीछे वाली कुछ वीडियोस के अंदर हमने देखा है कि अगर कोई पार्टनर अगर फर्म को लोन देता है तो हमको उस लोन के ऊपर इंटरेस्ट जो पे करना है उसके साथ हमको कैसे डील करना होता है। हमने पीछे वाली वीडियोस में सीखा है कि अगर फर्म पार्टनर के दिए हुए लोन के ऊपर इंटरेस्ट पे करती है तो वो इंटरेस्ट हमको पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में शो नहीं करना होता। कहां पे शो करते हैं? उसके लोन अकाउंट में ही। फर्म रियलिटी में लोन के ऊपर इंटरेस्ट कैश में पे नहीं करती है, तो क्या करती है? उसके लोन के अंदर ही ऐड कर देती है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपका पैसा, आपने बैंक से 5 लाख का लोन लिया, बैंक से 5 लाख का लोन लिया, आपने मान लो इंटरेस्ट पे नहीं किया, तो बैंक क्या करेगा? आपके लोन के ऊपर इंटरेस्ट लगाकर आपके लोन के अमाउंट के अंदर ही ऐड कर देगी। मान लो इंटरेस्ट बनता है 10,000 का, तो बैंक की नजरों में आपने लोन कितने का लिया हुआ है? मान लो 1 साल के बाद 5 लाख का तो लोन था, 10,000 इंटरेस्ट का ऐड करके बैंक की नजरों में आपने 5,10,000 रुपए का लोन लिया हुआ है। इसी तरह से ही फर्म की नजर में होता है। फर्म अगर कैश पे नहीं करती है इंटरेस्ट ऑन लोन, तो क्या करेगी? उसके लोन के अमाउंट के अंदर ही ऐड कर देती है। तो फर्म ये मानकर चलती है कि मैंने अब इतने अमाउंट का उससे लोन लिया हुआ है। तो ये क्वेश्चन इसी टाइप का है। तो पहले हम किसी भी क्वेश्चन को जब सोल्व करेंगे तो उसकी इक्वेशन को हम क्या करेंगे, अच्छे से देख लेंगे। 1 अप्रैल 2019 को ए और बी ने 5 लाख और 3 लाख लगा के मान लो बिजनेस स्टार्ट किया। कितनी कैपिटल लगाई है? 5 लाख और 3 लाख। 1 अक्टूबर 2019 को ए ने फर्म को लोन दिया है 2 लाख का। फर्म के पास प्रॉफिट्स हैं साल के लास्ट में मान लो 4,30,000 रुपए के। इस 4,30,000 रुपए की प्रॉफिट में से अभी हमने इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं माइनस किया, और दोनों पार्टनर्स के बीच में डिस्प्यूट भी है कि इंटरेस्ट के ऊपर लोन पे करें या ना करें, मान नहीं रहे, कुछ एग्रीमेंट नहीं हो रहा है, क्योंकि जब इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया था तो इन्होंने पार्टनरशिप डीड बनाई ही नहीं है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमको क्या करना है? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स रेडी करने हैं और ए का लोन अकाउंट हमको ने अपने को रेडी करना है। कौन सी डेट को? 31 मार्च 2020, मतलब जो हमारा फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो रहा है। बिजनेस स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल को 2019 को, अपना साल खत्म हो रहा है 31/3/2020। आपने क्या सिचुएशन देखी? दोनों पार्टनर ने कैपिटल लगा के अभी बिजनेस स्टार्ट किया है। ए ने लोन दिया है फर्म को 1 अक्टूबर 2019 को। फर्म के पास लास्ट में 4,30,000 के प्रॉफिट हैं। पार्टनरशिप डीड उन्होंने बनाई नहीं है, तो हमको इस क्वेश्चन के अंदर ये रेडी करना है, कैपिटल अकाउंट एंड द लोन अकाउंट ऑफ ए। तो जैसा कि हमको पता है कि जब क्वेश्चन के अंदर पार्टनरशिप डीड नहीं होती है, जब क्वेश्चन में पार्टनरशिप डीड आपको कह दिया जाए कि पार्टनरशिप डीड पार्टनर ने मेंटेन ही नहीं की हुई है, इसका मतलब है कि उस क्वेश्चन को हमको डील कैसे करना होता है। पहली बात, प्रॉफिट्स को इक्वल डिवाइड करते हैं। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, प्रॉफिट इक्वल डिवाइड होती है, सैलरी नहीं पे करते, कमीशन पार्टनर्स को नहीं पे करना होता, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं पे करते, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फर्म चार्ज नहीं करती है उनसे। पर अगर किसी पार्टनर ने फर्म से या फर्म को लोन दिया हुआ है, अगर किसी पार्टनर ने अगर फर्म को लोन दिया हुआ है तो फर्म क्या करती है? उसके ऊपर बाय डिफॉल्ट 6% का इंटरेस्ट पे करती है। तो इस क्वेश्चन के अंदर पार्टनरशिप डीड नहीं है अपने पास, तो फर्म क्या करेगी? जो ए ने लोन दिया है फर्म को, कितने का दिया है? 2 लाख। इसके ऊपर 6% का इंटरेस्ट पे फर्म को करना ही होगा बाय डिफॉल्ट, क्योंकि पार्टनरशिप डीड नहीं है। पार्टनरशिप डीड नहीं है तो मतलब इंटरेस्ट ऑन लोन भी फिक्स नहीं है। इंटरेस्ट ऑन लोन जो फिक्स नहीं है तो बाय डिफॉल्ट फर्म को 6% इंटरेस्ट ऑन लोन पे करना ही होगा। तो अपने को यहां देखना है कि ये लोन अपने कब दिया है? 1 अक्टूबर 2019 को दिया है। 1 अक्टूबर 2019 से लेकर 31/3/2020 तक 6 मंथ्स, मेरे को 6 महीने का ब्याज इसको अफोर्ड करना होगा। तो 6 महीने का हम ब्याज अगर हम काउंट करके देखें तो 2 लाख के ऊपर 6 महीने का ब्याज 6/12, और इंटरेस्ट हमको पे करना है 6%। तो आप यहाँ पे जब काउंटअप करके देखोगे तो डेफिनेटली हमको क्या करना है, उसको लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट पे करना है वो हमारा बनेगा 5,000 का। आप इसको जब कटिंग करके देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमने लोन के ऊपर 5,000 रुपए का इंटरेस्ट पे करना है, 6 मंथ्स का, 6 महीने का, 6% के अकॉर्डिंग। क्योंकि मैंने आपको भी बताया कि लोन के ऊपर इंटरेस्ट बाय डिफॉल्ट पार्टनरशिप डीड ना होने की वजह से कितना पे करना है? 6%।
तो 5,000 रुपए का ये इंटरेस्ट हमको पे करना होगा। फर्म के अंदर देखो प्रॉफिट कितने हैं, 4,30,000 रुपए। 4,30,000 रुपए में से अगर फर्म इसको 5,000 रुपए इंटरेस्ट ऑन लोन पे कर देती है, कितना पे कर देती है, 5,000 इंटरेस्ट ऑन लोन पे कर देती है, तो फर्म को क्या करना होगा, फर्म को क्या करना होगा, फर्म के अगर हम बाकी प्रॉफिट देखें तो बाकी के प्रॉफिट कितने रह गए, 5,000 माइनस करके बाकी के प्रॉफिट 4,25,000 के रह गए। अब ये प्रॉफिट हमने पार्टनर्स में डिवाइड करने होते हैं। पार्टनर्स में डिवाइड करते हैं किस रेशो में, रेशो हमारे पास है नहीं, पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो रेशो कितना होगा, हाफ हाफ, मतलब 4,25,000 को दोनों पार्टनर्स के अंदर हम इक्वल डिवाइड करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं एक बारी ए का लोन का अकाउंट, फिर हम देखेंगे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, क्योंकि हमारे सामने सिचुएशन क्लियर हो चुकी है कि लोन के ऊपर इंटरेस्ट 5,000, प्रॉफिट ये जो बचा है ये बचने वाला है, ये बटने वाला है, दोनों में डिवाइड होने वाला है हाफ हाफ। तो पहले हम ए का लोन अकाउंट देखते हैं। जब ए ने लोन दिया होगा तो फर्म ने क्या एंट्री की होगी, उस एंट्री के अकॉर्डिंग अपने को ये स्टार्टिंग करना है। कितने का लोन दिया था, 2 लाख का। अब फर्म ने उसको इंटरेस्ट ऑन लोन दिया है तो अपने को यहां पे 5,000 का इंटरेस्ट ऑन लोन ऐड करना है। साल के लास्ट में अपने को क्या एंट्री करनी है, ये अपने पास बैलेंस आ जाएगा, बैलेंस शीट कितना, 2,05,000 रुपए। ये अपने को लोन अकाउंट को क्लोज करना है कितने से, 2,05,000 रुपए से। क्या हुआ देखो, जब स्टार्टिंग में ए ने फर्म को लोन दिया होगा, फर्म ने अपनी बुक्स में क्या एंट्री की होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू एज लोन अकाउंट, तो हमने वही एंट्री यहां पे की। जब फर्म ने उसको इंटरेस्ट पे किया होगा तब तो फर्म ने क्या एंट्री की होगी, इंटरेस्ट की एंट्री पहले उसको पे किया होगा, उसके लोन अकाउंट में गया होगा, देन वो इंटरेस्ट कहां से चार्ज कर लेती है, फर्म प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से चार्ज कर लेती है, क्योंकि पार्टनर को जब भी हम लोन के ऊपर इंटरेस्ट पे करते हैं तो फर्म कहां से चार्ज करती है, उसको राइट ऑफ कहां से करती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से राइट ऑफ करती है। तो ये 5,000 पे लगा लो कि वहां से राइट ऑफ हो चुका है, 4,30,000 में से 5,000 रुपए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाके राइट हो चुके हैं, बाकी के प्रॉफिट अपने पास डिवाइड होने के लिए कितने हैं, 4,25,000। ए का लोन अकाउंट अपने पास क्लियर हो चुका है, लोन दिया था 2 लाख का, फर्म ने 5,000 का इंटरेस्ट ऐड करके हमने दिखा दिया है, फर्म ने उनको दिखा दिया है कि ए से हमने टोटल अभी 2,05,000 रुपए का लोन लिया हुआ है। अब बात आती है पार्टनर की कैपिटल अकाउंट। बिजनेस पार्टनर ने अभी स्टार्ट किया है तो स्टार्टिंग में जब पैसा आया होगा तो फर्म ने क्या एंट्री की होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो ये 5 लाख और 3 लाख रुपए से इनका स्टार्टिंग में हुआ होगा। अभी देखिए इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कोई टॉपिक नहीं है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का, सैलरी का, कमीशन का कोई टॉपिक नहीं है, बाकी क्या रह गया, प्रॉफिट डिवाइड करने का। ये प्रॉफिट हम कहाँ पे जाके बांटते हैं पार्टनर्स को, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से ये एंट्री जाएगी। 4,25,000 रुपए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में से डिवाइड होने वाले हैं, तो यहां पे अपन ने लिखना है बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कितना कितना बढ़ जाएगा देखा जाए तो 4,25,000 का आधा इसके पास जाएगा, 2,12,500, और ये बचेगा 2,12,500। तो अल्टीमेटली कुछ ड्रॉइंग नहीं लिखनी है, कोई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं लिखनी है, अपने को क्या करना है, बस इनकी कैपिटल का भी टोटल करना है। कितना आएगा, टू बैलेंस सीडी जब आप लिखोगे तो कितना आएगा, इसकी हो गई 7,12,500, इसकी कैपिटल देखो कितनी हो गई, 3,12,500। ये आप अकाउंट्स दोनों तरफ टोटल करके यहाँ पे क्लोज कर सकते हैं। यहाँ पे टोटल कितना लिखना है, 7,12,500, और यहाँ पे लिखना है 3,12,500। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमने क्या देखा, पार्टनर को लोन के ऊपर इंटरेस्ट पे करना है, कहाँ पे करना है, उसके लोन अकाउंट के अंदर ही जाके पे करेंगे। अगर कैश में पे नहीं किया है तो उसके लोन अकाउंट के अंदर हम डेफिनेटली जाके ऐड कर देंगे। तो लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट दिखाया हमने पीछे वाली वीडियो में भी सीखा था, वो इंटरेस्ट हमको पार्टनर की कैपिटल अकाउंट में शो नहीं करना है, वो हमने यहाँ पे भी शो नहीं किया है। तो कहाँ पे किया है, लोन अकाउंट के अंदर। उसके बाद क्वेश्चन में हमको क्या रेडी करना था, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट रेडी करना था। हमने कैपिटल अकाउंट रेडी किया, इन्होंने स्टार्टिंग में जब बिजनेस स्टार्ट किया था तो कैपिटल कैसे लगाई थी, फर्म ने क्या एंट्री की होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो बैंक अकाउंट से इसलिए हमारी एंट्री स्टार्ट हुई है। अगर ये बिजनेस हमारा मान लो पीछे से चल रहा होता, अगर बिजनेस हमारा काफी टाइम से लंबे समय से चलता आ रहा है, तो यहाँ पे हम क्वेश्चन कैसे स्टार्ट करते, बाय बैलेंस बीडी से स्टार्ट करते, बट
ये बिजनेस इन्होंने अभी स्टार्ट किया था, अकाउंटिंग ईयर अभी हमारा क्लोज हुआ है पहली बार, तो इसलिए हमने यहाँ पे एंट्री बाय बैंक अकाउंट से ही दिखाई है। फिर बात आती है कि ये प्रॉफिट, पार्टनर्स को जब भी प्रॉफिट हम डिवाइड करते हैं वो कहाँ पे जाके डिवाइड करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से। इसलिए आपने यहाँ पे बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट दिखाया है, 4,25,000 हाफ और हाफ दोनों पार्टनर्स को हो गया। आप इनको एंट्री को, इनके अकाउंट्स को आप क्लोज कर दीजिए, या इनका क्लोजिंग बैलेंस है, इनकी क्लोजिंग कैपिटल आप कह सकते हो। तो ये हमारा एक छोटा सा क्वेश्चन था, पार्टनर के लोन के ऊपर इंटरेस्ट पे करने का प्लस उनका कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करने का। तो नेक्स्ट वीडियो में एक हम थोड़ा सा टिपिकल सा एक एग्जांपल देखते हैं। तो मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में।